पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है। राज्य में कहीं बमबारी तो कहीं गोलीबारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हिंसा केवल दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हो रही है। दक्षिण परगना में तो टीएमसी के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। दक्षिण परगना के भांगड़ में मंगलवार को इंडियन सेक्युलर फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। टीएमसी समर्थकों पर आईएसएफ समर्थकों ने आरोप लगाया कि इन्होंने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। इस दौरान भारी हिंसा भी हुई और बमबाजी से पूरा भांगर गूंज उठा। बीजेपी के मीडिया चीफ अमित मालवीय ने बमबारी का वीडियो शेयर कर कहा, ममता बनर्जी के शासन में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। उन्होंने लिखा, कल विपक्षी उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने से रोकने के लिए बम फेंके गए। ये वीडियो कोलकाता के बाहरी इलाके बंगाल में सत्ता की सीट न्यू टाउन के पीछे भांगर से है। আদালত অনেকগুলো জায়গা ওপেন রেখেছে, সিসিটিভি ভিডিওগ্রাফি এবং অনেক বিষয় ওপেন রেখেছে। এইগুলো ভাইলেশন হলেই আমার বা আমাদের দলের বা অন্যদেরও কোর্টে যাওয়ার অ্যাম্পল স্কোপ আছে। পশ্চিমবাংলার জাগ্রত বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি কোন ইঞ্চিতে ফাঁক ফোকর রাখবে না যে ফাঁক দিয়ে কৃষি ভাইপর কোম্পানি মানুষের জনমতকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে না যায় সেটা দেখার দায়িত্ব আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রবাদী ওটা নেবে। 15 जून नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, मगर उससे पहले ही बंगाल में जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज़।